हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हो तो मैं डॉक्टर अनुज गोस्वामी आपका अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, मलद्वार के अंदर जितनी भी बीमारियां हैं या इससे जितने भी लक्षण होते हैं उन सबको समय समय पर हम आपके सामने लेके आते रहते हैं और हमारी कोशिश ये होती है फ्रेंड्स कि मलद्वार के रोग को लेकर समाज के अंदर जितनी भ्रांतियां फैली हुई हैं वो पूर्ण रूप से खत्म हो सके। तो फ्रेंड्स, जितने भी छारसूत्रा के या मलद्वार के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनको छारसूत्रा होता है या किसी पेशेंट्स को दवाई दी जाती है, किसी भी कैटेगरी का अगर मलद्वार का कोई भी मरीज है, ऑपरेशन हुआ हो नहीं हुआ हो, छारसूत्रा हुआ हो या नहीं हुआ हो, या केवल वो दवाइयों के ऊपर हो, तो सबके क्वेश्चन ये होते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स के दिमाग में ये होता है कि सर, मैं मोशन अगर जाऊं तो मेरे को ज्यादा बेटर किस पोजिशन में मोशन पास करना होता है। तो ज्यादा बेटर जो पोजिशन होती है इंडियन स्टाइल या फिर वेस्टर्न कल्चर, इंडियन स्टाइल जो हम नेचुरली यूज करते हैं, वेस्टर्न कल्चर का मतलब जो चेयर वाली जितनी भी पोर्ट सीट्स होती हैं, जो जिसके ऊपर बिल्कुल चेयर की तरह से पेशेंट बैठते हैं, तो ऐसी कंडीशंस ज्यादा अच्छी होती है मलद्वार के रोग के लिए या फिर नॉर्मल इंडियन स्टाइल अच्छा होता है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो फ्रेंड्स, पहले मोशन पास करने के सही तरीके को जानने से पहले पहले ये समझना पड़ेगा कि मलद्वार के रोग जितने भी होते हैं उनके होने के मेन कारण क्या क्या हो सकते हैं। अब मलद्वार के रोग होते तब है जब मलद्वार के ऊपर प्रेशर ज्यादा पड़ता है। जैसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स मोशन करने गए, आधा आधा घंटा एक एक घंटे तक बैठे रहते हैं, मोशन करने पास गए, जोर लगाते रहते हैं, मोशन आए या ना आए वो कहते हैं सर मेरे को अर्ज लगता है, सर मेरे को लगता है कि मोशन आएगा। तो सबसे पहली प्रायोरिटी तो पेशेंट को ये रखनी है, बहुत ज्यादा देर तक टॉयलेट के अंदर बैठना नहीं है, ज्यादा देर तक जोर नहीं लगाना है। सबसे पहली प्रायोरिटी मरीज की यही होनी चाहिए जिससे कि बीमारी बढ़े ना, अगर कोई बीमारी है भी तो वो उसका रूप ज्यादा भयावह ना हो। अब बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे जो जिनका छारसूत्रा होता है या फिर मॉडर्न सर्जरी होती है, उनके दिमाग में संशय रहता है कि सर मैं मोशन कैसे करने जाऊं, सर पुट्टी करनी है तो कैसे करनी है। अब जिनके पास मोशन की एक प्रॉपर फैसिलिटी जैसे होती है कि भाई, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके घर के अंदर वेस्टर्न कल्चर का टॉयलेट भी मिल जाएगा, नॉर्मल इंडियन कल्चर का भी टॉयलेट मिल जाएगा, तो जिनके घर के अंदर ये सुविधा है, तो मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन का मतलब मेरी खुद की अपने एक्सपीरियंस वाली ओपिनियन, मेरा मतलब ये नहीं है कि कोई दूसरा डॉक्टर इसके ऊपर अपोज करेगी भी बोले कि नहीं नहीं डॉक्टर गोस्वामी ने ये बोला था, ये चीज तो नहीं होती। मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर अपनी बात शेयर करना चाहता हूं। मेरा मतलब कहने का केवल ये है कि मैं अपने सभी पेशेंट्स को ज्यादातर एडवाइज करता हूं कि आप वेस्टर्न कल्चर वाली टॉयलेट सीट को यूज करें। उसका रीजन ये होता है कि एक तो आपके मलद्वार के ऊपर प्रेशर कम पड़ता है और जितना आपको मोशन पास करना होता है एक बार में वो मोशन पास हो जाता है, अगर नहीं भी होता तो आप दोबारा मोशन पास करने जा सकते हो, लेकिन बहुत लंबे समय तक टॉयलेट के अंदर नहीं बैठना। मतलब मल त्याग करते समय मल द्वार के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ना सीरियस कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है, जैसे बहुत ज्यादा खून का गिरना। अगर आप नॉर्मल इंडियन कल्चर वाले स्टाइल में बैठते हो, नॉर्मल मोशन करने जाते हो जैसे हम इंडियन लोग करते हैं, अगर आप उस पोजीशन में बैठते हो तो उस पोजीशन के अंदर कभी कभी ज्यादा ब्लीडिंग होने का खतरा होता है। ब्लीडिंग होने का खतरा का मतलब ये, ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्व आकर्षण बल की वजह से ब्लीडर्स कभी कभी ओपन हो जाते हैं और ब्लीडिंग ज्यादा होने की संभावना हो सकती है। तो ये हम लोगों की प्रायोरिटी होती है कि जिसके पास ये सुविधा है वेस्टर्न कल्चर वाली, वो ज्यादा प्रायोरिटी पर रखे कि वही यूज करें। और बहुत सारे पेशेंट्स जिनके पास ये सुविधा नहीं होती वो यूज कर सकते हैं नॉर्मल इंडियन स्टाइल को। मेरा मतलब ये नहीं है कि भाई बिल्कुल यूज नहीं कर सकते, यूज कर सकते हैं, जिस पोजीशन को जो ज्यादा बेटर मानता है उसको यूज कर सकता है, लेकिन मल त्याग करते समय जोर मलद्वार के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आपको अपने मलद्वार के रोगों से बहुत जल्दी निजात पाना है तो मल त्याग करते समय बहुत ज्यादा जोर ना लगाए। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें किसी भी तरह की आपकी क्वेरी हो तो। जय हिंद, जय भारत।